सुरभि तिवारी ने अपने पति पर लगाया घरेलू हिंसा का आरोप, कहा खर्चा चलाने के लिए बेचने पड़े जेवर। छोटे पर्दे पर अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली अभिनेत्री सुरभि तिवारी के जीवन में भूचाल आया है। जी हाँ, घर जमाई, श्री गणेश, शगुन, अगले जन्म, मोगे बिटिया ही के जो दो दिल बंधे एक डोरी से जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी सुरभि शादी के 3 साल बाद अपने पति प्रवीण कुमार सिन्हा से तलाक लेने जा रही है। दरअसल अभिनेत्री ने अपने पति सास और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। सुरभि ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उनके शादी के बाद से ही चीज़ें खराब होने लगी थी। प्रवीण परिवार शुरू करने के इच्छुक नहीं थे। अभिनेत्री ने कहा, मेरी शादी के तुरंत बाद मुझे एहसास हुआ कि प्रवीण और मैं समान नहीं हैं। प्रवीण मेरे साथ मुंबई जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन बाद में उसने स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। मैं अभिनय जारी रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नतीजन मैं आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हो गई और पैसे के लिए संघर्ष करने लगी। अभिनेत्री ने आगे बताया, मैंने प्रवीण, उसकी माँ और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा और डराने धमकाने का मामला दर्ज कराया है। साथ ही मुझे मेरा स्त्रीधन वापस करने की भी मांग की है। मुझे अपने जीवन यापन के लिए गहने बेचने पड़ रहे हैं। सुरभि आगे कहती हैं कि आपको पता है, इतना कष्ट सहने के बाद भी मैंने सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने की योजना बनाई थी। हालांकि प्रवीण ने मुझसे कहा कि वह मुझे तलाक नहीं देंगे और मैं इसके लिए अदालत जा सकता हूँ, इसीलिए मैंने अब उनके खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। मैं जल्द ही तलाक की अर्जी फाइल करूंगी।